रामपुर बुशहर में बुशहर संस्कृति कला मंच की मासिक बैठक बुधवार को आयोजित की गई। इस बैठक में पहाड़ी संस्कृति को बचाने और इसे प्रोत्साहित करने के लिए कुछ अहम फैसले भी लिए गए और विभिन्न मांगों पर भी चर्चा हुई। बैठक में लवी मेले के दौरान स्थानीय कला संस्कृति को बचाने वालों की अनदेखी को लेकर भी रोष प्रकट किया गया। मंच के सदस्यों का कहना है कि प्रशासन द्वारा पहाड़ी संस्कृति की अवहेलना की जा रही है। मंच के सदस्य आत्माराम केदारटा ने कहा कि बैठक में मंच ने आवाज उठाई है कि जिस तरह लाखों रुपए लवी मेले के नाम पर बाहरी कलाकारों को दिए गए, या तो उसी तरह स्थानीय कलाकारों को भी अपनी कला के प्रदर्शन का मौका देकर उन्हें भी लाभ दें, या फिर क्षेत्र के लोगों की पूंजी को बाहरी लोगों पर ना लुटाया जाए। आखिर एक डेढ़ घंटे के लाखों रुपए देना क्या स्थानीय कलाकारों का अपमान नहीं है? वहीं एक अन्य सदस्य ने भी प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। शहर संस्कृति मंच की आज बैठक हुई है, तो उस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, हमने अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, जो हमारी लोकल संस्कृति है यहाँ पर, उसको जिंदा रखने के लिए एक संस्था का गठन किया है यहाँ पर, जिसका नाम रखा हमने बुशहर सांस्कृतिक मंच। और उसके हर महीने यहाँ पर 20 तारीख को मीटिंग होती है और उसके अध्यक्ष हमारे भाग राम भास्कर जी हैं, मैं उपाध्यक्ष हूँ। और आज हमने एक बात देखा है यहाँ पर, जो कार्यक्रम यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति होती है लवी में, उसका चर्चा भी हुई है। और मैंने ये देखा कि यहाँ लोक संस्कृति के नाम, किस नाम ही नाम है सिर्फ, वहाँ वास्तव में लोक संस्कृति का यहाँ पर प्रदर्शन होता नहीं है। और सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहता हूँ, यहाँ इस मंच एक रजिस्टर्ड संस्था है, पंजीकृत संस्था थी हमारे रामपुर में। यहाँ पर ना हमें प्रशासन की तरफ से कोई सूचना दी गई कि डीसी साहब के साथ यहाँ लवी मेले के सांस्कृतिक कार्यक्रम की कोई बैठक के बारे में सूचना वो होगी, बैठक होगी। तो हम एक तो उससे परेशान हैं, और दूसरे जब रात को टेलीविज़न में यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुति देखते थे यहाँ पर, तो ये परेशानी होती थी कि नाम के लिए संस्कृति है, पर आते यहाँ पर बाहर से यहाँ पर जो कलाकार हैं उसको उनको बुलाया जाता है। और कई सालों से मैं तो यहाँ इसलिए कह रहा हूँ, मैंने 2 साल यहाँ पर ऑडिशन में काम किया है चेयरमैन के बतौर, 2 साल के बाद मैंने यहाँ ऑडिशन में आना बंद कर दिया। वो इसलिए है क्योंकि जो हमारी लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हम कार्य करते रहे, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। यहाँ पर जब बम्बे से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, या दूसरे कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले आते हैं, उनको जो दिया जाता है पारिश्रमिक, जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा है। जो यहाँ लोक संस्कृति प्रदर्शित करना चाहते हैं, उसको जो पारिश्रमिक है बहुत कम है। अभी मैं हैरान हुआ परसों, जब बम्बे से यहाँ पर एक आर्टिस्ट आए थे, श्री क्या था नाम उनका, उन्हें मैंने सुनने में आया 23 लाख या 30 लाख जो है डेढ़ घंटे को उनको दिया गया, जबकि यहाँ पर हमको 2-4 हज़ार में या 5-10 हज़ार में निपटा दिया जाता है। हम भी यहाँ प्रस्तुति देते रहे हैं और इसको आगे भी देना चाहते हैं, पर हैरानी होती है कि यहाँ हमारे इस तरफ ध्यान नहीं है। और दूसरे यहाँ पर हमने एक मुख्यमंत्री महोदय हिमाचल प्रदेश से निवेदन किया था 14 तारीख को कि हम लवी ग्राउंड एक कनेरी में बनवाना चाहते हैं। वो पहले से ये चर्चा थे, उसके हमने जितने भी कागजात थे वो तैयार करके लिए, और 45 बीघा ज़मीन वहाँ हम सरकारी ज़मीन पर जो है, हम प्रार्थना करते रहे सरकार से कि वहाँ पर, क्योंकि जो समस्या यहाँ आ रही है, एक तो यहाँ पर लवी ग्राउंड है, चाहे फाग मेला है जो लवी का मेला है, तो वहाँ हमको कोर्ट से या ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन से जो है परमिशन लेनी पड़ती है। इसमें हर साल जो है समस्या सामने आ रही है। हम चाहते थे कि अपना एक ऐसा ग्राउंड हो जहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ही रहे, काम कार्य करते रहे, जो हमें हर साल जो है वो 45 बीघा में है, वहाँ एक ग्राउंड बने, वहाँ का कला केंद्र का एक स्टेज बने और वहाँ हमारी गतिविधियाँ चलती रहे। तो इसलिए हमने निवेदन किया था और मुख्यमंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया कि मैं इस पर विचार विमर्श करूंगा, तो आज इस पर भी हम विचार विमर्श करने जा रहे हैं। आपकी जो संस्था है बुशहर की संस्कृति को उजागर करती है, तो आप लोगों को भी यहाँ कितना मौका दिया जाता है और कहाँ का मौका दिया गया आपको?
यही तो रोना है, सबसे बड़ी बात है। हमको इन गतिविधियों में जो हम लगे हुए हैं उसके बारे में हमारे हमके सहयोग बहुत कम मिलता है। हम ये चाहते थे कि जिस तरह का हम गांव-गांव में जा करके प्रचार करते हैं, लोगों को ये बताते हैं हमारी अपनी पुरानी संस्कृति है उसको मत छोड़िएगा, और उसको रहन सहन है, खान पान है, चाहे जो भी गतिविधियां हैं, अच्छी जो गतिविधियां हैं उनको हमको ध्यान रखना चाहिए। परंतु इस तरफ जो है सरकार का या प्रशासन का बहुत कम ध्यान जाता है, इसलिए हमको बड़ा दुख होता है इसे, और हम चाहते हैं कि सरकार इस तरफ ध्यान दे। थैंक यू जी। नमस्कार, अध्यक्ष बुशहर संस्कृति मंच रामपुर। यहाँ हर वर्ष जो है लवी मेला मनाया जाता है जिसमें संस्कृत संध्या का आयोजन होता है, लेकिन यहाँ तवज्जो दी जाती है बाहर वाले कलाकारों को, स्थानीय कलाकारों को कोई तवज्जो नहीं दी जाती है, ना उनको उचित मान दिया जाता है, वक्त तो बिल्कुल नहीं मिलता है। पिछले साल हमारे लोग संस्कृति मंच लाया, वो लाया था हमने लोक नृत्य, जिसको ना टाइम दिया गया ना पर्याप्त पैसे दिए गए, इसलिए इस साल हमने दिया ही नहीं, प्रोग्राम ही नहीं दिया। आपका जो सांस्कृतिक मंच है यहाँ के लोकल लोगों को, लोकल संस्कृति को आगे बढ़ाता है, बढ़ाने के लिए, तो इसमें आप क्या क्या कार्य करते हैं, कैसे कैसे नृत्य वगैरह आप उसमें शामिल करते हैं? अब वैसे हर साल कोई ना कोई प्रेजेंटेशन देते हैं उसमें लव्य मेले संस्कृति होने पर, विशेष करके वो जो लोक नृत्य होते हैं, लेकिन यहाँ पर टाइम ही नहीं दिया जाता है, यहाँ तवज्जो नहीं दी जाती है लोकल संस्कृति को। बाहर के कलाकारों को लाखों रुपए देंगे और यहाँ के लोगों को पैसा देना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें आप महाभारत की कहानियाँ वगैरह भी नृत्य नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो हमारी लोकल यहाँ के लोकल संस्कृति जो है उस पर उसको रिवाइव करने के लिए है ये संस्कृति। तो आपकी सरकार से क्या मांग है? सरकार से हमारी ये मांग है कि भाई उचित राशि दी जाए हमारे, कभी इसका आयोजन किया जाए संस्कृत संध्या का, उसको हमारा टाइम दिया जाए। आज आपकी मीटिंग हुई है, इसमें क्या रेजोल्यूशन पास हुए? इसमें एक रेजोल्यूशन, यहाँ पर एक मेला मैदान बनना है खनेरी नाम की जगह में, उसके लिए हमने सारे पेपर तैयार किए हुए हैं, तो वो हम सरकार से मांग करें कि वो ग्राउंड बनाया जाए।